कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए पंडित सुखराम के पोते आशीष शर्मा ने वीरभद्र सिंह पर पलटवार किया है। मंडी में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए शर्मा ने कहा कि अनिल शर्मा किसी के कहने पर नहीं बल्कि मान सम्मान के लिए भाजपा में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस को खड़ा करने वाले डॉक्टर परमार और पंडित सुखराम के परिवार एक व्यक्ति की तानाशाही के चलते कांग्रेस का दामन छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह की सलमान को लेकर की गई टिप्पणी अशोभनीय है। इस पर जवाब देते हुए शर्मा ने कहा कि वीरभद्र को सलमान से डरने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस को हिमाचल से उखाड़ने के लिए भाजपा का नेतृत्व ही सक्षम है। उन्होंने कहा कि भाजपा में शामिल होने के लिए कोई सलमान कनेक्शन नहीं है। सलमान से हमारा पारिवारिक रिश्ता है। जैसे वो अपनी फिल्मों के बारे में हमसे बात नहीं करते, उसी प्रकार सलमान के साथ राजनीति पर बात नहीं होती। सदर से कांग्रेस के प्रत्याशी चंपा ठाकुर के सवाल पर शर्मा ने कहा कि वे बताएं कि उनके पिता ठाकुर कौल सिंह ने बतौर स्वास्थ्य मंत्री रहते सदर विधानसभा क्षेत्र के लिए कौन कौन सा योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि कौल सिंह उल्टा कोटली कॉलेज बस स्टैंड और तहसील के मुद्दे पर विरोध करते आए हैं। उनके स्वास्थ्य मंत्री रहते मंडी अस्पताल में डॉक्टरों की कमी क्यों रही। शर्मा ने कहा कि अनिल शर्मा ईमानदार और स्वच्छ छवि के इंसान हैं और इसी स्वच्छ छवि को देखते हुए सदर के मतदाता उनके साथ हैं। आज की हमारी जो प्रेस वार्ता हमने मंडी में रखी, इसका मूल उद्देश्य यही था कि हाल ही में मुख्यमंत्री जी के माध्यम से कई आरोप हमारे ऊपर जड़ दिए गए, जैसे कि बोला कि हमको नींद की गोलियां, पूरा पंडित सुखराम परिवार जो है नींद की गोलियां खाके सो रहा है। परंतु असलियत यह है कि पंडित सुखराम परिवार जो है आश्वासन से कह सकता है कि मंडी सदर की जो जनता है वो उनके साथ एक चट्टान के भांति खड़ी है। मैं लोगों का मन देख रहा हूं और आज आप पंडित सुखराम जी का अगर और अनिल शर्मा जी का अपमान करते हैं तो आप सदर के 70,000 मतदाताओं का अपमान करते हैं। और मैं जो फील्ड में जा रहा हूं, लोगों का मन देख रहा हूं, टटोल रहा हूं, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि लोगों ने अपना मन बना रखा है कि इस बार एक पंडित सुखराम की स्वाभिमान की लड़ाई में वे अपना पूरा भागीदारी देंगे और 10 की 10 सीटें जो है इस बार भाजपा की झोली में मंडी जिले की आएगी। देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है कि भाई हम भाजपा में सलमान खान जी के आशीर्वाद तहत आए हैं। जब हमें पंडित सुखराम जी को और अनिल शर्मा जी को कांग्रेस पार्टी में मान सम्मान नहीं मिला, जब हमारा अनादर हुआ और जब हमें विभिन्न मंचों में लज्जित किया गया, तो हमको विवशता में ये फैसला लेना पड़ा कि हम कांग्रेस का इतने वर्षों तक जो इस पार्टी को हमने खड़ा करने में अपनी भूमिका अदा की है, उस पार्टी का हम हाथ छिटक कर भाजपा में सम्मिलित हुए। मैं अमित शाह जी और मोदी जी से मिला और उन्होंने मेरे को ये विश्वास दिलाया कि भाजपा में भाजपा के सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी पूरे मान सम्मान के साथ आपको पार्टी में स्वागत करेंगे और आपके साथ चलेंगे और जो कांग्रेस पार्टी आपको मान सम्मान नहीं दे पाई वो आपको मान सम्मान भाजपा में मिलेगा। देखिए, सलमान खान जी का बड़ा व्यस्त कार्यक्रम रहता है, परंतु हमने आज तक ना ही चुनाव सलमान खान जी के वजह से लड़ा, 16 चुनाव इस हल्के में लड़े हैं, अपने बलबूते पे लड़े हैं, अपनी काबिलियत की वजह से लड़े हैं। तो आज भी मैं कहूंगा कि अगर पार्टी हाईकमान चाहेगी तो वो जरूर आएंगे, परंतु ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि उनको सदर या हिमाचल में आकर कैंपेन करना पड़े। मोदी जी आ रहे हैं मेरे ख्याल 4 तारीख को और हमारे जो गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी वो भी मेरे ख्याल 2 तारीख को बल में आ रहे हैं। तो ये सभी विधानसभाओं की मेरे ख्याल राज्य में भी हमारे अमित शाह जी आ रहे हैं, तो सभी विधानसभाओं में सभी स्टार प्रचारक अपना समय निकाल रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार हिमाचल जो है भाजपा को फिर सरकार बनाएगी, भाजपा सरकार, और हमारी जो 10 की 10 विधानसभा सीटों में है उसमें भाजपा विजय होगी।